हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सर, सुबह सुबह का टाइम है तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ आज मैं अपना स्किन केयर शेयर कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे आज आप लोग के साथ एक फेस पैक शेयर कर रही हूँ। यहाँ है मेरे पास बॉडी क्यूपिड का हाइलुरोनिक एसिड फेस पैक है ये मेरे पास, और ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है गाइस। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। इसमें तो इसके अंदर जो है वो हाइलुरोनिक एसिड, मलबेरी एंड लिक्योरिस एक्सट्रैक्ट है, एंड विटामिन B3 भी है, एंड नो पैराबिन, नो मिनरल ऑयल, नो सल्फेट, एंड 100 ml का बॉटल है ये गाइस। एंड इसमें आपको B3 भी है, आप देख सकते हैं। ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा पैम्पर करता है। 100 ml का ये होता है छोटा सा, तो आप इसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये अप्लाई कर चुकी हूँ अपने फेस पे, मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छा है, नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं इसके सारे। तो गाइज, बॉडी क्यूपिड हाइलुरोनिक एसिड फेस पैक गिव योर स्किन अ स्पा लेवल फ्रेमिनिंग एंड हाइड्रेटिंग ट्रीटमेंट। ये आपकी स्किन को एक अच्छा खासा ट्रीटमेंट देता है। हाइलुरोनिक एसिड होल्ड्स अप टू 1000 टाइम इट्स वेट इन वाटर टू कीप स्किन वे सॉफ्ट। इट ऑल्सो हैज़ अ मलबेरी एंड लिक्योरिस एक्सट्रैक्ट द हेल्प इवन आउट स्किन टोन लाइट Kaolin and bentonite clays help refine pores and remove impurities, and vitamin B3 helps reduce patchiness and dullness skin. And guys, आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन का और लुक को यंगर एंड स्मूथर बनाएगा, टोटली विदाउट हार्मफुल मिनरल्स मिनरल्स ऑयल। आज मैं थोड़ा सा अपना बाथिंग का भी कुछ शेयर कर रही हूँ। तो ये है मेरे पास बॉडी क्यूपिड का एक्वा वेव बाथ सॉल्ट। आप सोचोगे बाथ सॉल्ट क्या है? तो बाथ सॉल्ट, जैसे कि हम अपना फुट स्पा कराने के लिए पार्लर में जाते हैं, फुट स्पा होता है एंड हमारा बहुत सारा हेयर स्पा होता है, उसी तरीके से ये एक बाथ सॉल्ट है। ये हमारा बाथ स्पा करके जैसे ही कुछ रहता है। तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि ये पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री होता है एंड विद एसेंशियल ऑयल होता है। 100 ml का बॉटल है। आप इनको अगर परचेज करना चाहते हो दोनों प्रोडक्ट्स को, तो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में बाथ टब है तभी आप इसको अप्लाई और यूज़ कर पा रहे हैं। आप इजीली बाल्टी में करके इसको यूज़ अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँगी कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। मैं कर चुकी हूँ इसको, और ये एज अ एक सॉल्ट है सिर्फ, एकदम ब्लू कलर में आप देख सकते हैं। बहुत ही इसमें ना जो इसका जो फ्रेग्रेंस है गाइस, मैं आपको बता दूं, एकदम पिपरमेंट का जो है फ्रेग्रेंस रहता है इसका। बॉडी क्यूपिड एक्वा वेव बाथ सॉल्ट इज इन्फ्यूज्ड विद स्वीट आमंड ऑयल, पिपरमेंट एसेंशियल ऑयल, मिंट लीव्स एंड कूल एंड स्किन डिटॉक्स स्मूथ। बॉडी में थोड़ा बहुत पेन वेन भी हो रहा है तो भी आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। घर में ही अपना एक तरीके का बाथ स्पा ले सकते हैं। सो आप इसको परचेज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से मैंने इसको यूज़ किया है। तो गाइस, आपको जैसे मैंने बताया कुछ भी नहीं करना है, जस्ट नॉर्मल इसको लेना है और आप इसको डायरेक्ट अपने बाल्टी या टब में डाल करके इससे नहा सकते हैं। थोड़ा सा कलर थोड़ा सा चेंज होता है बस, और कुछ भी नहीं होता। ये आपको एकदम लग्जरी पैम्परिंग फील कराता है। हेल्प हाइड्रेट स्किन फॉर स्मूदर फील, हेल्प्स टू रिफ्रेश योर स्किन एंड अपलाइट योर मूड। स्पा लाइक अ फ्रेग्रेंस दैट लिंगर्स अराउंड। एंड गाइज, मैं दोनों प्रोडक्ट्स का लिंक प्रोवाइड कर दी हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। नॉर्मली आप घर पर लग्जरी बाथ और अपनी बॉडी को अच्छे से पैम्पर कर सकते हैं बिना किसी झंझट के, इजीली कर सकते हैं। सो बिना वेट किए हुए आप परचेज कर सकते हैं, लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया। थैंक यू। आ जल्दी, फिर नोवी ने सुन ली मम्मी, ये मत का प्लेट वाली, ये का चला गया, ये वाली का। अरे प्लेट की नहीं खा, ये का नीचे वाली, ये वाली, ये वाली ले ले। अरे नहीं जाऊंगो, नहीं जाऊंगो। अच्छा जी, ले खा ले, खा ले, ले 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 नोबी जी, खा ले खा ले। अरे खा, हाँ चल जी दीपी। ए नोबी, ले ले, कितने ऑप्शन हो जाएगी पास।
ले अच्छा ले पूरा नहीं जी ना छोड़ दे उते आप आते तो तुम मत बलिया ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी उठ जा जल्दी आ जाओ ये बहुत ही यम्मी है उस दिन बनाई थी वैसी है खाके देख मटर नहीं है इस वाले में टमाटर उसमें नहीं है उसमें वो प्लेन है खाओ नहीं है खाओ सारी जगह अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है दिल्ली एमपी न्यूज़ में मैंने जितना देखा है दिल्ली एमपी एंड यूपी बट यहाँ पे नहीं है यहाँ पे बता रहे हैं 15 जून तक लॉकडाउन है बता नहीं रहे मतलब तो मुझे अचानक से जुकाम हो गया मुझे जिस टाइम पे नींद आती है ना उस टाइम पे फिर मैं ये नहीं देखती कि मुझे भूख लग रही है क्या लग रहा है मतलब मुझे बस सोना है तो मैं जिस दिन जल्दी उठ जाती हूँ मान लो लाइक 6:30-7 बजे तक घूमी तो मुझे 12 बजे तक नींद आने लगती है और अगर मैं लेट उठती हूँ तो फिर मुझे दोपहर में आती है आज मैं जल्दी उठ गई तो मुझे दोपहर में नींद आने ओ 12 बजे तक नींद आने लगी 12:30 बजे तो 12:30 समथिंग सो गई थी और उठी थी करेक्ट 2 बजे और फिर भूख लगी उठते ही बहुत तेज़ भूख मेरा लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना मेरे साथ में कि मैं आपको क्या बताऊँ मतलब अगर मैं मॉर्निंग में वॉमिटिंग कर लेती हूँ अर्ली मॉर्निंग मेरे को 1 या 2 वॉमिटिंग हो गए तो फिर मुझे वॉमिटिंग होती रहेगी कंटिन्यू पूरा दिन हो गया और अगर नहीं हुई है तो फिर पूरा दिन सही जाएगा और चीज़ कुछ भी खाने का मतलब मैं सबको सच बताऊँ ना कुछ भी खाने का मन नहीं होता मीठा खाने का भी मन होता है लेकिन मीठा अगर मैं खाती हूँ तो जबान पे सब ठीक रहता है इधर उधर ना मुझे कड़वा कड़वा फील होता है मतलब बहुत ही कड़वा फील होता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता मतलब आम भी नहीं अच्छे थे टहरी के टाइम में आम इतना खाती थी आम नहीं मिलता था ना तो एक मैंगो का आइसक्रीम आता है जो प्योर मैंगो लगता है जिसमें मतलब आइस नहीं होता ओनली मैंगो का जो अंदर का जो रहता है वो लगता है
वो इतना खाती थी, कोल्ड ड्रिंक इतना पीती थी मैं, स्प्राइट इतना पिया था मैंने 10 के टाइम पे कि मुझे रिलैक्स फील होता था उसे पीने के बाद। और इस टाइम पे वो मुझे मतलब इतना सा भी नहीं, इतना सा भी नहीं भरा मुझे, इतना सा भी वो पी इतना सा भी नहीं भरा मुझे। और वो 10 के टाइम पे मुझे चावल आराम से खा पाती थी, और इस टाइम पे जो कच्ची वेजिटेबल्स होती है वो अगर कट कर रहे हो जैसे भिंडी, काफी कर लो कि जिन कोई भी सब्जी कट कर रहे हो उसमें से स्मेल आना, बहुत ही गंदा स्मेल लगता है, छोंकते टाइम स्मेल आती है। और चावल होते हैं ना जैसे गर्म गर्म चावल आया तो गर्म गर्म चावल में स्मेल, तो मैं चावल तो मैंने खाए ही नहीं, ये समझ लीजिए चावल ट्रिपल बंद। और मैं स्टार्टिंग में खाती भी थी चावल तो मुझे उल्टी आती थी, मैं समझ नहीं पाती थी कि यार चावल खाते टाइम मुझे उल्टी आती है। और मुझे अब जबकि अब चीज़ें बढ़ गई तब पता चला कि चावल से भी मुझे उल्टी आ रही है, मतलब। और गरम गरम खाना नहीं अच्छा लगता, मतलब ठंडा रोटियां बन के रखी है तो ठंडी खानी है और ऐसा कड्डे से पूरे यार साइकिल आने वाला था नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ मेरा टाइम वर्क बच गया, यहाँ कोलकाता वाले बच गए, दीघा साइड में आया था पूरा। और आज भी देखो सारे कपड़े सूख रहे हैं मेरे, ब्लॉगिंग मैं डेली नहीं कर पा रही हूँ, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि मैं सुबह में उठती हूँ, जैसे किसी दिन उल्टी वाला मैंने आपको बता दिया वो तो होता ही था, उसके अलावा सर इतना भारी रहता है, मतलब इतना हेडेक, इतना पेन। और मुझसे कोई बात भी करेगा, लिटरली मैं आपको सच बता रही हूँ कि अगर मुझसे कोई बात करे तो मेरा मन, अगर ठीक है तो ठीक से बात कर लूँगा, अगर नहीं है ना अगर वो सामने वाला ठीक से बात करे तो उस पर भी चिड़चिड़ा जाती, मतलब अंदर से एकदम चिड़चिड़ होता है, बात करने का मन नहीं होता, जैसे मुझे नहीं बात करना, मुझे नहीं करना, बहुत ज़्यादा मुझे मतलब मूड से मतलब थोड़ा चिड़चिड़ करती हूँ, क्यों करना है मुझे, नहीं बात करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मतलब मैं बता नहीं सकती इतना भयंकर तरीके से मुझे मतलब मूड से चिक 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 होता है। मैं बात करने का मन करता है किसी से ना, मुझे ब्लॉगिंग करने का मन करता है, मतलब कुछ करने का मन, ये समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें मेरी सिर्फ मजबूरी में करनी पड़ती है। और अब मुझे ये घर भी अच्छा लगता है, मतलब मैं रोजगार में चेंज कर लूँ मुझे नहीं अच्छा लगता, सच में बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, कब ठीक होगा भगवान जाने लगेगा। अच्छा ये मुझे जमाइयाँ आती हैं तो मुझे कुछ लोग बोलते हैं आप ठीक से सो जा करो, तो मैं बताऊँ कि जमाइयाँ मेरी ये अभी मुझे बहुत ज़्यादा आने लगी है, मैं बात करते टाइम नॉर्मली, ये सोने के ऊपर नहीं है, मैं नॉर्मली अगर बात करती हूँ तो मुझे जमाइयाँ बहुत आती हैं, ये मुझे कुछ न्यू स्टार्ट हुआ, ये मुझे पहले होता था, मैं बहुत छोटी थी, छोटी लाइक 6th 7th 8th क्लास में थी, तब मुझे पढ़ाई के टाइम पर बहुत होता था कि मैं पढ़ रही हूँ, मुझे जमाइयाँ बहुत आती थी, और अभी मुझे ये आने लगी है। ये देखो पिंपल मेरे लाइफ में कभी, सच बता रही लाइफ में मतलब इन 24 सालों में मेरे को कभी पिंपल्स नहीं हुए मेरी आदर्श में, मैं 16 साल 17 साल 15 साल सारी उम्र देख ली मेरे पिंपल नहीं निकले, और मेरे यहाँ स्पॉट देख रहे हो ये पिंपल्स के स्पॉट, और ये देखो ये मुझे यहाँ पे पिंपल्स निकल रहे, बताओ मैं सच में, मैं ये मुझे ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्यों मुझे पिंपल्स हो रहे क्यों हो रहे क्यों। और नेल्स भी आप देख सकते हो, नेल्स मेरे पहले बढ़ते नहीं थे, बढ़ते थे मतलब बढ़ते थे, ये नहीं कहूँगा नहीं बढ़ते थे, बढ़ते थे लेकिन टूट जाते थे, और इस टाइम भी मेरे नेल्स बिल्कुल बराबर बराबर चल रहे सब कुछ। अब मेरी जैसे ये कंडीशन किस किस की रही है या है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि यार कैसे मेरा एक एक दिन बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा भारी, मैं बहुत अजीब तरीके से कट रहा है, मैं सोच रही जल्दी जल्दी कट रहा पर नहीं हो रहा, ब्लॉगिंग में एकदम से मन नहीं होता मेरा कि मैं डेली ब्लॉगिंग कर पाऊँ, क्या बताऊँ। तो चलिए ये अपडेट दे दी मैंने आपको, बाकी का प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे बताइएगा, मैं वेट करूँगा आप सबका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, ध्यान रखना प्लीज़, मेरे शेयर जरूर करना प्लीज़, ओके।